हेलो एवरीवन, माय नेम इज राजेश गुप्ता। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे सेट। व्हाट इज द सेट? देखिए, क्लास 11th का फर्स्ट लेक्चर है मैथ्स का। इसमें सबसे पहला चैप्टर आपका सेट। सेट क्या है? ठीक है, देखिए ये क्या है। अ सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, बस इतना याद रखना, वेल डिफाइंड होना चाहिए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, तो क्या कहलाता है सेट। जैसे अभी आप एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखें, अगर हमसे कहा जाए कि ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है, तो ये देखो पहले से डिफाइन है ऑड, ठीक है, एंड नेचुरल नंबर, तो क्या हो जाएगा आपका 1, 3, 5, 7, 9, इस तरीके से आप तक इनफाइनाइट तक चलता रहेगा। ठीक है, ये वेल डिफाइन है। अगर आपसे कहा जाए जैसे कि हाउ मेनी स्टूडेंट इन योर क्लास, ठीक है, हाउ मेनी स्टूडेंट इन योर क्लास, तो यहाँ पे क्या होगा, आपके क्लास में कितने स्टूडेंट है वो तो आपको पहले से ही पता है। ठीक है, कि काउंट करने पे कितना रजिस्ट्रेशन हुआ कितना नहीं, तो ये सब क्या है, वेल डिफाइन है। तो इसे अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो एज ए सेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यही है कि मतलब वेल डिफाइन होना चाहिए पहले से, तो क्या कहलाता है, सेट कहलाता है। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि नेम द रिवर ऑफ इंडिया, तो पहले से डिफाइन है, रिवर की बात कर रहा है और वो भी इंडिया में, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो जितने भी रिवर हैं, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, मतलब जितने भी यहाँ पे है वो सब आप लिख सकते हो। तो सेट क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है, वो क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपसे क्वेश्चन आए व्हाट इज द सेट, देन सेट, अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, आप कोई सा भी एग्जांपल दे सकते हैं। एक आध एग्जांपल और हम ले लेते हैं। मान लीजिए अगर एग्जांपल कहा जाए, ठीक है, तो अगर कहा जाए यही मान लीजिए इवन नंबर, ठीक है, अब यहाँ पे कंडीशन लगा दे लेस देन 10, तो लेस देन 10 में क्या हो जाएगा, इवेन नंबर आपका एक हो गया 2, 4, 6, 8 एंड 10, 10 तो आएगा नहीं क्योंकि लेस देन 10 का रहा, अगर लेस देन इक्वल टू होता तो 10 होता, तो ये इतने की बात कर रहा, तो ये क्या वेल डिफाइन है, पहले से इवेन नंबर है, वेल डिफाइन है। ठीक है, तो वो भी क्या है आपके लेस देन 10 है, तो मतलब सेट क्या हो गया, अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज वेल डिफाइंड। ठीक, इस तरीके से आप लिख सकते हो। नेक्स्ट में अगर आप देखो, ठीक है, तो सेट को, ठीक, सेट का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन या नोटेशन ऑफ सेट, ठीक है, किस तरीके से नोट करते हैं। देखिए, जो सेट को रिप्रेजेंट करोगे आप, ठीक है, सेट को रिप्रेजेंट करोगे वो क्या होगा आपका, कैपिटल लेटर में होगा। ठीक है, कैपिटल लेटर में होगा, कैपिटल लेटर्स। और एक बात देखिए, जैसे अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे सेट लिखा था कोई, ये पहले एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल आप वही हम ले लेते हैं, ऑड नंबर लेस देन 10, तो इसके लिए क्या था, ये 1, 3, 5, 7 एंड 9, ठीक, ऑड नंबर लेस देन 10, तो ये जो आपका मान लीजिए ये पी है, ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, सेट। ठीक,
और ये जो इतने हैं ये सब आपका क्या कहलाएंगे, एलिमेंट, एलिमेंट और मेंबर। ठीक है, तो किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो, देखिए जो सेट है उसे कैपिटल लेटर में ही यूज करेंगे, ठीक है, और जो एलिमेंट्स हैं या मेंबर्स हैं, ठीक है, उसे आप स्मॉल लेटर में डिनोट करेंगे। ठीक है, मेंबर और एलिमेंट्स को आप, ठीक है, लोअर केस लेटर में यूज करोगे, आप लोअर केस लेटर में यूज करोगे। फॉर एग्जाम्पल में मान लीजिए ए बी सी इस तरीके से, और कैपिटल लेटर में आप मान लीजिए ए बी सी कुछ भी आप नाम रख सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी एलिमेंट हो सकता है उस तरीके से। ठीक, एक चीज और देखिए, अगर यहाँ पे कुछ नोट्स करने वाली बात है, देखिए अगर ये यहाँ पे सेट पी का एलिमेंट है, ठीक है, तो क्या होगा, तो कैसे लिखोगे, देखिए इफ मान लीजिए कुछ भी है, नंबर नहीं एक्स मान लेते हैं, इफ एक्स इज मेंबर ऑफ सेट ए, इज मेंबर ऑफ सेट ए, ठीक, एक्स इज मेंबर ऑफ सेट ए, देन वी राइट, देन वी राइट, हाउ टू राइट, एक्स इज बिलोंगिंग टू ए। ठीक है, अभी बताते हैं, अभी इसे रीड कैसे करोगे, रीड एस कैसे रीड करोगे आप, एक्स बिलोंगिंग टू belongs to A, X belongs to A, ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आते हैं, ये जो आपका है ये वाला सिंबल, ठीक है, इसे कहते हो आप इप्साइलन, क्या कहते हैं, इप्साइलन, ठीक है, ये ग्रीक वर्ड है, ग्रीक सिंबल है, ग्रीक सिंबल है, ठीक है, ग्रीक सिंबल है जिसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, ठीक है, ग्रीक सिंबल है। ठीक, अगर दूसरा कंडीशन इसमें बनता है, इफ एक्स इज नॉट मेंबर ऑफ, इफ एक्स इज नॉट मेंबर ऑफ सेट ए, then we write, how to write, x does not belong to A, तो read कैसे करोगे, x does not belongs to A, आपको ऐसे read करना है। ठीक है, एक और देख लीजिए, if मान लीजिए एक से ज्यादा एलिमेंट्स हो, तो यानी मान लीजिए ए बी सी आर द मेंबर ऑफ या बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू सेट ए, देन हाउ टू राइट, ए कॉमा बी कॉमा सी इज बिलोंग्स टू ए, इस तरीके से आपको लिखना है। ठीक है, और इस तरीके से आपको पढ़ना, देखिए यहाँ पे इफ एक्स एलिमेंट्स ऑफ ए या बिलोंग्स टू ए, तो इस तरीके से मेंबर ऑफ ए, तो हाउ टू राइट, रीड एक्स बिलोंग्स टू ए, आपको करना है एक्स बिलोंग्स टू ए, इस तरीके से आप किसी भी तरीके से रीड कर सकते हो, एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स इज द मेंबर ऑफ ए, ठीक है, इस तरह x इज द एलिमेंट्स ऑफ a, कुछ भी कर सकते हो, यहाँ पे भी सेम, x डज नॉट बिलोंग्स टू a, x इज नॉट एलिमेंट्स ऑफ a, x इज, x डज नॉट
बिलोंग्स टू ए, एलिमेंट्स ऑफ ए, मेंबर्स ऑफ ए, इस तरीके से आप रीड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। अब तो सेट के बारे में आपको पता चल गया, सेट क्या होता, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, दूसरा क्या आपने पढ़ा इसमें कि किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अंदर का जो नंबर है उसे हम क्या बोलते हैं, मेंबर ऑफ एलिमेंट्स, उसे स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं और सेट को कैपिटल लेटर से। अब देखिए, अब आपको क्या है कि किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक, अभी तक तो होता नोटेशन, किस तरह का, अब रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, देखिए सेट को दो तरीके से आप रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, सेट को दो तरीके से आप रिप्रेजेंट करते हो। पहला रोस्टर फॉर्म, इसे ही एक नाम और जानते हैं टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म, ठीक है। दूसरा आपका क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, या इसका दूसरा नाम रूल्ड मेथड। रूल मेथड, ठीक है, इस तरीके से हम बारी बारी दोनों को पढ़ेंगे। ठीक है, व्हाट इज द रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में सेट को कैसे लिखते हैं, इस तरीके से। तो आपको इसमें ध्यान रखना है, सेट को सिर्फ दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, पहला रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो यही दो मतलब मेनली यूज करते हैं नाम, ये दोनों भी इसी नाम से जाने जाते हैं, पर बहुत कम आपको क्वेश्चन में रोस्टर एंड सेट बिल्डर ही लिखा रहेगा। ठीक है, तो पहला हम देखते हैं, पहला रोस्टर फॉर्म, ठीक, देखिए इसमें क्या होता है कि जितने भी एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, उसे हम ब्रैकेट्स के अंदर, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं। ठीक है, और जो एलिमेंट्स होंगे अंदर उसे हम क्या करते हैं, कॉमा से, मान लीजिए ए है तो कॉमा से उसे क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, रोस्टर फॉर्म में क्या कहते हैं, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उसे कॉमा से सेपरेट करते हैं और पूरे सेट को हम किस में, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं। जैसे देखो, इन दिस फॉर्म बी लिस्टेड ऑल द मेंबर ऑफ सेट और द मेंबर ऑफ सेट बी लिस्टेड ऑल मेंबर ऑफ सेट विद इन कर्ली ब्रैकेट्स। कर्ली ब्रैकेट्स, ठीक है, एंड सेपरेटेड सेपरेटेड दीज बाय कॉमा। ओके, फिर से देख लीजिए, इन दिस फॉर्म बी लिस्टेड ऑल द मेंबर ऑफ सेट विद इन द कर्ली ब्रैकेट्स एंड सेपरेटेड बाय कॉमा। ठीक है, एग्जाम्पल में अगर हम देखें, एग्जाम्पल
मान लीजिए अगर हमें सेट, जो सेट हमने पहले एग्जांपल दिया तो वही ले लेते हैं। अ सेट अगर आपको दिया रहे इस तरीके से, तो आपको सेट में कैसे रिप्रेजेंट करोगे? अ सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर लेस देन 10, लेस देन 10, ठीक है। तो आपको पता है तो मेंबर एलिमेंट्स क्या है लेस देन 10 में? ऑड नंबर है, तो 1, 3, 5, 7 एंड 9। लेकिन इसे क्या कह रहे हैं, रोस्टर फॉर्म में अगर तुम रिप्रेजेंट करेंगे तो होगा, रोस्टर फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट, मान लीजिए सेट पी है तो कैपिटल में पी लिखेंगे इक्वल्स। अब इसमें हम क्या करते हैं, सारे मेंबर को कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, तो एक कर्ली ब्रैकेट बनाएंगे, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट बन गया। उसके बाद क्या रहा है कि सेपरेटेड बाई कॉमा, तो हमारे एलिमेंट्स यही है, मेंबर्स इसे हम अंदर लिखेंगे और कॉमा से सेपरेट करेंगे, यानी 1, 3, 5, 7 एंड 9। इस तरीके से आप लिखोगे तो वो कहलाएगा आपका रोस्टर फॉर्म, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए, रोस्टर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है कि जितनी भी एलिमेंट्स है उसे हम कॉमा से सेपरेट करते हैं और कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा। एग्जाम्पल टू, ठीक है, एग्जाम्पल टू में क्या लूं, एक थोड़ा सा लेते हैं, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर विच डिवाइडेड 42 डिवाइडेड 42, ठीक। तो इसमें क्या कहना है, देखिए पहले से डिफाइन है कि 42 को जितने भी नंबर नेचुरल नंबर डिवाइड करते हैं उनका आपको सेट बनाना है, ठीक है। तो देखिए पहले क्या होता है, 42 को कितने नंबर से डिवाइड होगा, ठीक है, 42 कितने नंबर से डिवाइड होगा? तो देखिए अगर आप यहाँ पे करेंगे तो 1 से तो सारे नंबर डिवाइड होते हैं, तो 1 से होगा तो 42 टाइम्स, तो 42 भी होगा। 2 से यहाँ पे देखिए, 2 2 4 एंड 2 2 1 यानी 21, तो 2 से भी होगा, तो 21 से भी होगा, 2 टाइम्स, 2 से 21 टाइम्स, तो 21 से 2 टाइम्स होगा, ठीक है। अब हम चेक करते हैं 3 से, 3 1 3 एंड 3 4 12, हाँ 3 से भी होगा, तो 3 1 3 और 3 4 12, ठीक। उसके बाद हम देखते हैं 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से, 6 से होगा, 6 7 जा, उसके बाद तो 6 के बाद 7 आ गया, पता है इतने ही नंबर से आप ये डिविजिबल होगा। तो इसे रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे, मान लीजिए पी है, ठीक है, बी मान लीजिए, बार बार पी मान, तो ये हो गया बी, ठीक है, ये आपको कर्ली ब्रैकेट हो गया। यहाँ पे आप ऊपर लिखोगे सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर विच इज डिवाइडेड बाय 42 इज, उसके बाद आप लिखोगे, ठीक है, तो हो गया, चलिए मैं लिख भी देता हूँ, ठीक है। इसे प्रॉपर कैस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर विच डिवाइडेड
42। मान लीजिए ये क्या है, बी है, तो इसे कर्ली ब्रैकेट के अंदर ये सारे एलिमेंट्स को विद कॉमा लिखना है, 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21 एंड 42। ये आपका रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट पेज। तो रोस्टर फॉर्म में कुछ आपको थोड़ी बातों को ध्यान रखना है, जैसे कि यहाँ पे जब भी आप रोस्टर फॉर्म को करेंगे तो उसमें ऑर्डर क्या होता है मैटर नहीं करता कि किस नंबर को पहले लिख रहे हैं। तो लिख लीजिए द ऑर्डर इन विच, द ऑर्डर इन विच द एलिमेंट्स आर, द एलिमेंट्स आर लिस्टेड इज इमेटेरियल। कहने का मतलब है कि जो ऑर्डर आप लिख रहे थे यहाँ पे, देखिए ये ऑर्डर लिखे 1, 2, 3, 6, 7, ये जरूरी नहीं है। अगर आप इसे ही क्या कहते हैं, अभी एग्जांपल आपको बताते हैं, देखिए ठीक, ये आपका था। तो इसमें आपसे कह रहा है कि मतलब ऑर्डर क्या है लिस्ट इमेटेरियल, ठीक है, मतलब ये ऑर्डर रिप्रेजेंट, ऑर्डर रिप्रेजेंटेशन आपको वैरी रहेगा तो भी, लेकिन एलिमेंट सेम होना चाहिए। कहने का मतलब अगर इसे ही अगर हम इस तरीके से लिख दिए होते हैं 5 तो है नहीं, 3, 6, 7, 1, 2, 14, 42 एंड 21। देखिए सारे एलिमेंट्स हैं, 3 है, 6 है, 7 है, 1 है, 2 है, 14 है, 42 है एंड 21 सारे एलिमेंट्स हैं। तो ये भी सही है, ये भी सही है, मतलब कोई सा भी ऑर्डर रिप्रेजेंटेशन का इसमें बैरी नहीं होता है, आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। एग्जाम्पल अगर आप लोगे इसमें इसका एग्जाम्पल, तो अगर मान लीजिए कि कोई सेट है जिसमें 1, 2 एंड 3 एलिमेंट्स है, तो इसी सेट को आप इस तरीके से लिख सकते हो 2, 3, 1 लिख सकते हो, इसी सेट को आप इस तरीके से लिख सकते हो 3, 2, 1 लिख सकते हो, इसी सेट को आप इस तरीके से लिख सकते हो 2, 3, 1 लिख सकते हो, मतलब आप किसी भी तरीके से रिप्रेजेंट करिए, बस आपका एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि मतलब ऑर्डर ऐसा नहीं कि इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना, नहीं, ठीक है, आपका क्या होना चाहिए कि एलिमेंट्स होना चाहिए, ठीक है, ऑर्डर मैटर नहीं करता है। तीसरा इसमें कुछ है, एक पॉइंट और ऐड कर लेंगे तो फिर ये रोस्टर फॉर्म आपका खत्म हो जाएगा। रोस्टर फॉर्म अभी एक बार फिर से बता देंगे, पहले तीसरा पॉइंट लिख लीजिए, देखिए अगर किसी में आ गया, जैसे मान लीजिए अगर आपको कह दिया यही रोस्टर, अगर आपको दे दिए मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे, मान लीजिए लुक है, कह रहा है कि इसे आप रोस्टर फॉर्म में लिखो, तो आप रोस्टर फॉर्म में मान लीजिए सेट ए है, रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए क्या लिख सकते हो, एल ओ ओ के, ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे देखोगे कि ये तो एलिमेंट्स है, एल ओ ओ है, ओ ओ है, के है, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा,
जो ओ है दो बार आ रहा है ना, यही नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे भले ही ओ एलिमेंट्स हो, ठीक है, लेकिन रोस्टर फॉर्म में लिखते समय किसी भी एलिमेंट्स का रिपीटेशन नहीं होता। ठीक है, किसी भी एलिमेंट्स का रिपीटेशन नहीं होता है। बस आप यहाँ पे लिख लीजिए, इट मे बी नोटेड, इट मे बी नोटेड दैट वाइल राइटिंग द सेट, राइटिंग द सेट इन रोस्टर फॉर्म, इन रोस्टर फॉर्म एंड एलिमेंट इज एन एलिमेंट इज नॉट रिपीटेड, रिपीटेड। ठीक है, ये याद रखिएगा। और एग्जाम्पल अगर हम लें, मान लीजिए एग्जाम्पल फिर से एक बता देते हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर आपको स्कूल दिया है, इसे आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो किस तरीके से, मान लीजिए सेट इक्वल्स, ये नहीं सही बना, ठीक। तो देखिए एस, उसके बाद क्या है कॉमा सी, उसके बाद क्या है एच, उसके बाद क्या है ओ, उसके बाद ओ का रिप्रेजेंटेशन दो बार है, लेकिन यहाँ पे एक ही बार करेंगे, रिपीट नहीं होगा। उसके बाद कॉमा एल, ये आपका हो गया। चाहे इसे कुछ भी लिख सकते हो आप, मतलब जरूरी नहीं इसी सीरीज में हो, आप लिख सकते हो ओ एल एच सी एस, कैसे भी लिख सकते हैं आप, मतलब किसी भी तरीके से, बहुत तरीके से लिखा जा सकता है। कहने का मतलब है एलिमेंट्स होना चाहिए। ठीक है, ये आपका मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर हो डिक्रीजिंग ऑर्डर हो, ऑर्डर मैटर नहीं करता। ठीक, यहाँ पे आपका ये रोस्टर फॉर्म खत्म हो गया। तो फिर से एक बार आप देख लीजिए रोस्टर फॉर्म में क्या होता है। रोस्टर फॉर्म होता है कि किसी भी सेट को लिखने के लिए आप क्या करोगे, सारे एलिमेंट्स को कॉमा से क्या करोगे, आप सेपरेट करोगे और कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। ठीक, रोस्टर फॉर्म ये कहता है। दूसरा पॉइंट था कि जो ऑर्डर है वो मैटर नहीं करता। ठीक है, जैसे 1 2 3 6 7 14 21, ये ऑर्डर मैटर नहीं करता, आप कुछ भी लिख सकते हो। जैसे एग्जांपल में हमने लिया था 1 2 3, ठीक, तो ये 1 2 3 लिख देंगे तो भी अच्छा है। ठीक है, 2 3 1 लिखेंगे तो भी अच्छा है। ठीक है, 3 2 1 लिखोगे, 2 3, मतलब आपका एलिमेंट्स होना चाहिए, एलिमेंट्स होना चाहिए सेम, बाकी ऑर्डर आप पे मैटर नहीं करता है। ठीक है, तीसरा इसमें पॉइंट था कि इसमें एलिमेंट्स का क्या है, रिपीटेशन नहीं होता है, एलिमेंट्स को आप रिपीट नहीं करोगे। बस यही आपका तीन इसमें था। अभी रोस्टर फॉर्म खत्म हो गया। देखिए जो रोस्टर फॉर्म में खत्म हो गया, अभी सेकेंड है आपका सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, ये थोड़ा टिपिकल है समझने में, फिर भी समझने की कोशिश करिएगा। तो पहले आप इसकी थ्योरी को देख लीजिए, उसके बाद बताऊंगा, बहुत इजी है, हो जाएगा। ठीक, इन दिस फॉर्म, बी राइट अ वेरिएबल, मान लीजिए सपोज एक्स, मान लीजिए कोई वेरिएबल एक्स है, ठीक है, रिप्रेजेंट
representing any member of set, any member of set followed by a property satisfy by each member of set. तो यहां पे आप देखिए, पहले ध्यान से सुनिए कि इसमें क्या होता है कि आप कोई सा भी दिया रहे, आप एक वेरिएबल कुछ भी मान लेंगे, x के जगह p q r s कुछ भी मान लीजिए, हम मान के चल रहे हैं x, आप एक वेरिएबल लिख लोगे, उसके बाद उस x की प्रॉपर्टीज लिखोगे जो सारे मेंबर को रिप्रेजेंट करे, ठीक है, सेटिस्फाई करे, वो जो प्रॉपर्टी आप लिखोगे सारे मेंबर को सेटिस्फाई करे। जैसे अगर आपको दे दिया जाए कि मान लीजिए एग्जांपल में, ठीक है, वॉवेल ऑफ अल्फाबेट, ठीक है, वॉवेल इन अल्फा ऑफ अल्फा, वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट, तो आपको पता है ए ई आई ओ यू होता है, इतना वॉवेल होता है, तो अब इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे आप वो देखिए, ठीक है, तो आप लिखोगे मान लीजिए सेट इक्वल्स ए बी सी, कुछ भी रख सकते हो, सेट को कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक। दूसरी बात यहाँ पे देखिए कि कह रहा है कि वी राइट द वेरिएबल एक्स रिप्रेजेंटिंग एनी मेंबर, कुछ भी ये मेंबर हो उससे कोई मतलब नहीं, हम सीधा एक्स मान लेंगे, यहां तक समझ में आया, ठीक, आप एक्स के जगह कुछ भी ले सकते हैं, पी क्यू आर एस कुछ भी ले सकते हो, ठीक, एक्स एनी नंबर, सेट फॉलो बाय द प्रॉपर्टी सेटिस्फाई द ईच मेंबर, तो अब इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में लिखना है, तो यहां पे देखिए एक कॉलन लगा देते हैं, ठीक है, उसके बाद इस एक्स की प्रॉपर्टी लिखेंगे जो इन सब को सेटिस्फाई करे, तो हम लिखेंगे एक्स इज अ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट, देखिए ये हो गया आपका, ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। तो आपको करना क्या है कि इसे लिखने के लिए आपको कुछ भी दिया रहे आप एक्स मान लेंगे, फिर एक्स के बारे में बताएंगे कि ये एक्स है क्या, यानी इसकी प्रॉपर्टी बताएंगे जिससे पूरा जो क्वेश्चन दिया है या जिसे सेट के फॉर्म में लिखना है वो यहाँ पे डिफाइन हो जाए, यानी उसकी प्रॉपर्टी लिखना या तो एक्स को डिफाइन करना, तो एक्स कॉलम सेमी कॉलम सॉरी कॉलम, उसके बाद एक्स इज अ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट एंड कर्ली ब्रैकेट क्लोज, इस फॉर्म में लिखते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, तो अभी इसे और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए ये हो गया ना, तो अब सबसे पहले देखिए इसे, ये जो x है, ठीक है, ये क्या हुआ है आपका कि कोई सा भी एलिमेंट्स हो, आप x या p की बार कुछ भी मान सकते हैं, मतलब मान लिया, तो एलिमेंट्स ऑफ सेट क्या हो गया, इसे एलिमेंट
ऑफ सेट है, ठीक है, या कोई सिंबल है, ठीक है, यूजिंग अ सिंबल, ठीक है। दूसरा ये वाला क्या है आपका, कॉलम, ठीक है, और ये पूरा यहां से यहां तक क्या है आपका, इस एक्स को डिफाइन करने के लिए कैरेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टी ऑफ एक्स, प्रॉपर्टी ऑफ एक्स, समझ गए किस तरीके से आपको लिखना है। कोई सा भी एलिमेंट्स हो आप एक्स मान लोगे, उसके बाद कॉलन लिख दोगे, अब इस एक्स को डिफाइन करने के लिए उसकी प्रॉपर्टीज से आप मतलब डिफाइन कर देंगे यहाँ पे। तो अब इसे रीड कैसे करेंगे, ठीक है, रीड करने के लिए देखिए आप क्या करेंगे, इस इतने को आप क्या पढ़ोगे, द सेट ऑफ, द सेट ऑफ ऑल एक्स, इतना पढ़ोगे आप इसे रीड करोगे, इस कॉलन को आप रीड करोगे सच दैट, ठीक है, और यहां पे क्या करोगे आप, जो प्रॉपर्टी आपने डिफाइन किया है, ठीक है, उसे आप रीड आउट कर दोगे, ठीक है, प्रॉपर्टी डिफाइन, ठीक है। तो आप इसे कैसे पढ़ोगे, इस सेट को, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ वोवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट, फिर से आप देखिए, द सेट ऑफ ऑल एक्स, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ वोवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट, इस तरीके से आपको रीड करना है, ठीक। फिर से आप सुन लीजिए, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए वोवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक। एक एग्जांपल और ले लेते हैं तो थोड़ा ज्यादा क्लियरिफाई हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको दिया रहे कि नेचुरल नंबर, मान लीजिए कि आपको सेट लिखना है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, ठीक है, जो क्या हो, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर बिटवीन बिटवीन 3 and 10, ठीक है। कह रहा है कि आपको एक सेट लिखना है नेचुरल नंबर का जो 3 और 10 के बीच में हो, तो यानी क्या हो गया आपका, एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, 3 and 10 के बीच में जो नेचुरल नंबर होंगे वो होगा आपका 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 3 तो आएगा नहीं, ठीक है। तो अब इसे आप देखिए, अगर आप रोस्टर फॉर्म में लिखते, रोस्टर फॉर्म में लिखते तो मान लीजिए P इस तरीके से आप लिख देते, लेकिन अगर सेट बिल्डअप फॉर्म में लिखते हैं तो मान लीजिए सेट P है, यहाँ पे बोला गया था कि कोई भी एलिमेंट्स हो आपको X मान लेना है, उसके बाद सेमी कॉलन, सॉरी कॉलन लगाना है, फिर इस X को डिफाइन करना, और X क्या है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर बिटवीन 3 and 10। तो बस आप जो क्वेश्चन में दिया वही लिख दीजिए, अगर आपको डिफाइन करने नहीं आ रहा तो X इज
नेचुरल नंबर, ठीक है। एंड देखिए अब यहाँ पे एक कंडीशन है यहाँ पे कि इतने बीच में होना चाहिए, तो एंड थ्री से बड़ा होना चाहिए क्योंकि थ्री एंड टेन के बीच में है एक्स, और टेन से छोटा होना चाहिए। बस ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म हो गया इस तरीके से। तो आप रीड आउट कैसे करोगे, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर बिटवीन थ्री एंड टेन, ये आपको याद रखना है, इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अच्छा हाँ, इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए। अगर नंबर्स पता होंगे तो आप अच्छे से कर लोगे। देखिए नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर को एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। नेचुरल अच्छे से लिखता हूँ, ठीक है। नेचुरल नंबर, ठीक है, एन से रिप्रेजेंट करते हैं। और नेचुरल नंबर वो होता है, ये आपका वन टू थ्री फोर होता है, वन टू थ्री, इस तरीके से आपको चलता रहता है, ठीक है। दूसरा देखिए होल नंबर क्या होता है, अगर नेचुरल नंबर में, ठीक है, जीरो ऐड कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, होल नंबर। आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। व्हाट इज द इंटीजर क्या होता है, ठीक है, इंटीजर जो होगा उसे जेड से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब ये होता है जितनी भी मतलब होता है पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरफ, यानी अगर यहाँ पे देखिए इनफाइनाइट से आते हुए रहेगा माइनस टू माइनस वन जीरो वन टू, इस तरीके से आपको इनफाइनाइट तक चलता रहे, यानी कि मतलब जो होल नंबर है जीरो को सेंटर मान के आप लेफ्ट राइट दोनों साइड में ले सकते हैं, तो आपको इंटीजर हो जाएगा, ठीक है। अब इसी में आप देखेंगे यहाँ पे कि होता है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। अभी देखिए क्या है, कह रहा है कि सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, तो पॉजिटिव आपका ये वाला है, ठीक है, ये है पॉजिटिव यहां से, तो आप इसे जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, तो जेड प्लस, ठीक है, जेड प्लस हो गया, ओके। अब यहां पे आप देखोगे ये हो गया वन टू थ्री, इस तरीके से चलता रहेगा। अभी कुछ नहीं है, जेड ऑफ पॉजिटिव नंबर इक्वल टू नेचुरल नंबर, ठीक है। अगर इसी तरीके से जेड सेट ऑफ और नेगेटिव इंटीजर होता तो जेड माइनस माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, एंड जीरो इज द नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव इंटीजर, ठीक है, न्यूट्रल है, ठीक। उसके बाद आता है आपका रेशनल नंबर। देखिए रेशनल नंबर को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, रेशनल नंबर को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं रेशनल नंबर को, तो रेशनल नंबर में क्या होता है आपका, देखिए जैसे नेगेटिव से होते हुए आएगा, मान लीजिए डॉट डॉट इनफाइनाइट से होते हुए जितने भी नंबर है, जितने भी नंबर है सब आ जाएंगे आपके रेशनल नंबर। मान लीजिए माइनस थ्री मतलब इंटीजर भी आ गया, ठीक है। अब यही हो गया आपका माइनस थ्री बाई टू, ठीक है। अब यही आ गया आपका माइनस वन पॉइंट जीरो फाइव, ठीक है, इस तरीके से जीरो, इस तरीके से आप
पॉजिटिव में भी लिख लीजिए, वन हो गया, इंटीजर आ गया, मतलब जितने भी नंबर हो गया, टू सॉरी 3.2 ले लीजिए, ठीक है, 2.3 ले लीजिए, इस तरीके से आप कुछ भी नंबर ले लीजिए, वो आपका रेशनल नंबर में आएगा। कहने का मतलब नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग होल नंबर इंक्लूडिंग इंटीजर इंक्लूडिंग द डेसिमल एंड पी बाई क्यू फॉर्म विथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइंस, ठीक, ये बहुत ध्यान रखिएगा, मतलब सारे नंबर इसमें आ जाएंगे, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा और बताना है आपको, तो नेक्स्ट पेज पे आते हैं, ठीक। अब यहाँ पे देखिए आपका रेशनल नंबर तक हो गया, ठीक है। अगर आपसे कहा जाए पॉजिटिव रेशनल नंबर, ठीक है, तो इसे क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्यू प्लस हो गया। तो यहाँ पे देखिए पॉजिटिव रेशनल नंबर में तो ये आ गया, तो यहाँ पे भी जितने भी पॉजिटिव में आएंगे वो सब क्या कहलाएंगे आपके, जैसे वन हो गया, टू हो गया, थ्री बाई मान लीजिए फोर बाई फाइव बाई टू हो गया, ठीक है, हो गया आपका 3.9 हो गया, मतलब इस तरीके से आप कुछ भी लिख सकते हो। देखिए इंटीजर हो गया, फ्रैक्शन फॉर्म में हो गया, डेसिमल फॉर्म में हो गया, मतलब कुछ भी आप लिख सकते हो, पॉजिटिव इंटीजर इस तरीके से आपका होगा। उसके बाद आपके आता है इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर इसे क्या करते हैं आप p by q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है, नहीं लिख सकते हो p by q के फॉर्म में, मतलब आप फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे यहाँ पे पाई दिया है, पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7 होता है, लेकिन नहीं, पाई की वैल्यू 22/7 अप्रोक्सीमेट होता है, एग्जैक्ट नहीं होता है, एग्जैक्ट्स नहीं होता है, पाई की वैल्यू 22/7 अप्रोक्सीमेट होता है, मतलब अगर आप पाई की वैल्यू अगर निकालोगे 22/7 नहीं है होता है, मतलब बहुत अप्रोक्सीमेट हम लेते हैं, ये 3.1412 इस तरीके से चलता रहता है, बहुत चलता रहेगा, मतलब p by q के फॉर्म में लिख ही नहीं पाते हैं। तो इस तरीके के जो नंबर आते हैं वो इरेशनल नंबर होते हैं। रेशनल रियल नंबर क्या होता है आपका, जितने भी आप नंबर देख रहे हो, ठीक है, आर से डिनोट करते हैं, जितने भी नंबर आप अंदर देख रहे हो सारे रियल नंबर में आएंगे, चाहे रेशनल हो प्लस इरेशनल हो, रेशनल प्लस इरेशनल, ठीक है, ये सब इसके अंदर आते हैं। आई होप थोड़ा सा ओवरव्यू दिया हूँ नंबर्स के बारे में, बाकी ये सेट में यूज होगा इसलिए, ठीक है। तो आते हैं, अच्छा एग्जांपल, एग्जांपल फर्स्ट देखते हैं, एग्जांपल फर्स्ट क्या कह रहा है, राइट द सॉल्यूशन ऑफ सेट, सेट का सॉल्यूशन लिखना है इन रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। तो आपको क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू इक्वल्स जीरो, तो इसे करोगे आप तो टू अंजर टू यानी टू माइनस वन, यानी क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस टू माइनस वन एक्स माइनस टू इक्वल जीरो, ये आपने क्लास नाइन्थ में किया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस एक्स माइनस टू इक्वल जीरो, देखिए टू माइनस वन करेंगे तो वन ही आएगा, वही एक्स होगा, टू एक्स माइनस एक्स करोगे तो एक्स ही आएगा, अब इन दोनों को एक साथ ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स को एक साथ, माइनस कॉमन निकालेंगे तो अंदर प्लस हो जाएगा, एक्स माइनस प्लस
टू एक्स है, यहाँ से एक्स कॉमन ले लीजिए, तो एक्स प्लस टू, यहाँ से वन हो गया कॉमन, एक्स प्लस टू इक्वल जीरो। अब इन दोनों में से कॉमन ले लीजिए, तो एक्स प्लस टू एक साथ, और यहाँ पे बचा आपका एक्स, यहाँ पे बचा माइनस वन इक्वल जीरो, या एक्स का जो सॉल्यूशन होगा ये उधर जाएगा तो वन, और ये उधर जाएगा तो माइनस टू, ये सॉल्यूशन है। अब इसे रोस्टर फॉर्म में लिखना है, ठीक है? तो रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? ठीक है, सॉल्यूशन रोस्टर फॉर्म में कर्ली ब्रैकेट, ठीक है, वन एंड माइनस टू, या माइनस टू वन, किसी भी फॉर्म में आप लिख सकते हो, यही आपका आंसर है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर टू, राइट द सेट एक्स सच दैट एक्स इज द पॉजिटिव इंटीजर एंड एक्स स्क्वायर लेस देन इन रोस्टर फॉर्म। देखिए, आपको सेट बिल्डअप फॉर्म में दिया है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। और एक्स क्या है कि एक्स स्क्वायर लेस देन 40, यानी एक्स स्क्वायर लेस देन 40 होना चाहिए, ठीक है? तो एलिमेंट्स, एक्स क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है, आपको याद होगा, इंटीजर है, यानी वन टू थ्री फोर, माइनस वाला नहीं, सिर्फ प्लस वाला, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है? तो एक्स इक्वल्स अगर हम वन रखेंगे, एक्स इक्वल्स वन रखेंगे, एक्स इक्वल्स वन रखेंगे, तो वन स्क्वायर लेस देन 40, यानी वन लेस देन 40 इज करेक्ट, करेक्ट। तो पहला एलिमेंट वन हो गया। एक्स इक्वल जब टू रखोगे आप, तो क्या हो जाएगा? टू स्क्वायर लेस देन 40, यानी टू टू जब फोर लेस देन 40, करेक्ट, यानी दूसरा एलिमेंट टू हो गया। पॉजिटिव इंटीजर इसी रखना है, एक्स इक्वल हमने रख दिया थ्री, थ्री स्क्वायर लेस देन 40, यानी नाइन लेस देन 40, करेक्ट, यानी थ्री हो गया, ठीक है? एक्स इक्वल्स फोर रख दिया, तो फोर स्क्वायर लेस देन 40, यानी 60 लेस देन 40, ये भी करेक्ट है, यानी फोर, ठीक है? इसी तरीके से एक्स इक्वल्स फाइव ले लिया हमने, तो फाइव स्क्वायर लेस देन 40, यानी 25 लेस देन 40 इज द करेक्ट, यानी फाइव। एक्स इक्वल्स अगर हमने सिक्स रख दिया, एक्स इक्वल्स हमने सिक्स रख दिया, तो सिक्स स्क्वायर लेस देन 40, या क्या हो गया? 36, 36 लेस देन 40, करेक्ट, यानी सिक्स हो गया। एक्स इक्वल्स हमने क्या रख दिया? सेवन, तो सेवन स्क्वायर लेस देन 40, यानी क्या हो गया? 49 लेस देन 40 इज द रॉन्ग। बस यहीं तक हमें लेना था, अब इसके बाद जितना भी बढ़ाएंगे वो सब रॉन्ग होता जाएगा, यानी सिक्स का। तो रोस्टर फॉर्म में जब आप लिखोगे, मान लीजिए सेट ए अगर आप ना ले, तो कर्ली ब्रैकेट में कॉमा के साथ लिख दीजिए, वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स, ये आपका आंसर हो गया, और ये इतना रफ वर्क हो गया। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा ये वाला। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर थर्ड, कह रहा राइट द सेट ए इन सेट बिल्डअप फॉर्म में लिखना है। तो आपको पता है सेट बिल्डअप फॉर्म में जो भी लिखते हो आप, तो सीधा आप उसकी प्रॉपर्टीज लिखते हो, ठीक है? तो सेट बिल्डअप फॉर्म में ए मैट्रिक्स ही है, तो ए इक्वल्स कर्ली ब्रैकेट, कोई भी एलिमेंट्स हो आप एक्स लिख दोगे, फिर कॉलन लिखोगे। अब इसकी प्रॉपर्टीज, अब यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो ये वन है, फोर है, नाइन है, सिक्सटीन है, ट्वेंटी फाइव, स्क्वायर है, वन स्क्वायर है, टू स्क्वायर है, थ्री स्क्वायर है, फोर स्क्वायर है, फाइव स्क्वायर, यानी सबका स्क्वायर। तो एक्स, और ये सब वन टू थ्री फोर क्या है आपका?
नेचुरल नंबर है, तो x इज द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, देखिए ये डॉट 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 चल रहा है यानी इनफाइनाइट तक है, तो कोई कंडीशन नहीं लगाना, ये आपका सेट बिल्डअप फॉर्म में हो गया। ठीक, इसे एक तरीके से और लिख सकते हैं, ए इक्वल्स एक्स सच दैट एक्स इक्वल्स एन स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर है तो वेयर, ठीक है, एन इज वेयर एन, और एन क्या है, एलिमेंट्स ऑफ नेचुरल नंबर है, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। ठीक, एक्स एक्स सच दैट एक्स इक्वल्स एन स्क्वायर वेयर एन इज द एलिमेंट्स ऑफ नेचुरल नंबर, क्योंकि 1 2 3 4 सब नेचुरल नंबर है। आई होप समझ में आया होगा इसे। नेक्स्ट एग्जांपल 4, एग्जांपल 4 में आपसे कह रहा है राइट द सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में आप कैसे लिखते हो, तो सिंपल सा याद रखिएगा, मान लीजिए ए है, तो ए इक्वल्स कर्ली ब्रैकेट कोई भी एलिमेंट हो एक्स। अब यहाँ पे देखिए कॉलन, अब यहाँ पे आप गौर से अगर देखोगे, अगर ये वन है तो ये टू है, यानी वन प्लस हो गया, ये टू है तो वन प्लस हो गया, थ्री थ्री है तो फोर, इस तरीके से। यानी अगर ऊपर का हम एन मान ले तो नीचे एन प्लस वन हो जा रहा है, तो वही, तो एक्स इक्वल्स क्या हो गया, एन अपॉन एन प्लस वन। ठीक, वेयर एन क्या है, एलिमेंट्स ऑफ नेचुरल नंबर, लेकिन डॉट 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 पूरा इन्फाइनाइट तो नहीं है, एंड जो एन है, ठीक है, वो देखिए वन से बड़ा है, यानी वन के बराबर भी है, बड़ा भी है, टू थ्री, ठीक है, वन से क्या है, बड़ा है, वन भी है तो वन के बराबर भी है। देखिए सिक्स से, सेवन से छोटा है, देखिए यहाँ पे देखिए सिक्स, सिक्स से छोटा है और सिक्स के बराबर है, तभी ना सेवन प्लस सिक्स प्लस वन सेवन आएगा, यानी क्या हो जाए, सिक्स सिक्स से छोटा है और सिक्स के बराबर है, इस तरीके से आपको लिखना था। ठीक, एक्स द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इक्वल्स n अपॉन n प्लस n, वेयर n इज द नेचुरल नंबर एंड व n इज लेस देन एंड इक्वल टू वन एंड सॉरी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू वन एंड लेस देन एंड इक्वल टू सिक्स, ये आपको इस तरीके से लिखना था सेट बिल्डअप फॉर्म में। नेक्स्ट कुछ है, हाँ, एग्जाम्पल नंबर 5, इसमें आपसे कह रहा है मैच द इच सेट लेफ्ट ऑन द लेफ्ट डिस्क्राइब इन रोस्टर फॉर्म। अच्छा, लेफ्ट में रोस्टर फॉर्म में है, इन विच द सेम सेट ऑफ राइट इज कंसिडर इन सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, यानी यहाँ पे रोस्टर फॉर्म है, यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म है, आपको मैच करना है। देखिए यहाँ प्रिंसिपल है, तो प्रिंसिपल का एक्स, एक्स इज द लेटर ऑफ वर्ड प्रिंसिपल, तो ये तो आपका पहले का क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, दूसरा देखिए जीरो, नहीं समझ में आ रहा है तो छोड़ दीजिए। देखिए यहाँ कह रहा है एक्स इज द पॉजिटिव इंटीजर एंड डिविजिबल बाय 18, 18 को देखिए 1 2 3 6 9 18 कर सकते हो, यानी अगर ये 2 है 3 एंड 4, तो देखिए 3 का आपका क्या हो गया, 1। देखिए मैच ऑफ द फॉलोइंग में अगर आपको जरा सा भी डाउट लग रहा है तो आप उसे छोड़ के दूसरा करिए, तो लास्ट में जो ऑप्शन बचेगा हो जाएगा, यानी ये आपका ए हो गया। तो उसके बाद देखिए अभी यहाँ पे कह रहा है कि x प्लस वन सी वाला इक्वस वन,
तो जब लेफ्ट साइड में लेके जाओगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 इक्वल 0 या x इक्वल 0। जब x इक्वल 0 कुछ दिया है, ये दिया है 2, यानी 2 का क्या होगा, c हो गया। यहाँ पे देखिए x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल 0, x स्क्वायर इक्वल 9 या x स्क्वायर इक्वल प्लस माइनस 3, ठीक, ये आपका दिया यानी b हो गया आपका। इस तरीके से आप कर सकते हैं। आई होप यहीं पे था पूरा, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये थ्योरी लेक्चर है एंड एग्जाम्पल था। अगर आप थ्योरी एंड एग्जाम्पल देख लेंगे तो आपको एक्सरसाइज करने में ज़रा सा भी डिफिकल्टी फेस नहीं करना पड़ेगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।